अपने लोगों को 15-15, 20-20 मकान दे दिए, माडा के अंदर भेज दिए, ब्लैक में भेज, डोरोमोन के नाम में निकल। कहीं ना कहीं जो अजीत दादा पवार है वो बीजेपी से गठबंधन था अभी महायुति का, तो मतलब आप लोग भी इसमें जुड़े कहीं ना, आप लोग भी बीजेपी में जुड़े। अभी लोक विधानसभा चुनाव 2 महीने में होने वाला है, अब की बार कौन आमदार मुमरा नजीब मुल्ला, वो आज हमारी पार्टी में चल रहे हैं। वो चाह रहे कि नईम खान साहब भी खड़े होंगे, कोई सम्मान नहीं बीजेपी को, हम लोग मानने वाले नहीं। लेकिन अभी युति में है ना गठबंधन में, वो बड़े नेता है, बड़े ना वो सब बड़े है तो छोटे भी रहेंगे। जरूरत चीज होती पानी, मुमरा शहर में देखा पानी के लिए बहुत प्रोटेस्ट होता है। 2009 की बात नहीं, जब मैं महापौर था, जब जितेंद्र रावण ने ये उंगली पकड़ के आपका एजुकेशन चेयरमैन बने थे। अभी ऐसे यूट्यूब पे देखा, एक दो दिन पहले ग्रुप पे चला था कि नईम खान साहब एक हाथ पकड़ के जितेंद्र रावण का ला रहे, मतलब 2009 में आपने लाया उनको, मतलब एक बड़े नेता थे आप, महापौर भी थे, 15 साल आपने आवाज नहीं उठाई इसके लिए, मतलब आप भी चुप बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं इब्राहिम सैफ, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं मुमरा में और हमारे साथ है माजी महापौर नईम खान साहब और कांग्रेस के बड़े नेता मुमरा शहर के शरद पवार साहब की पार्टी में थे, एनसीपी पार्टी में, और अभी कल ही इन्होंने एक प्रवेश किया है अजीत दादा पवार पार्टी से, और इनसे जानने के लिए आखिर ऐसी क्या वजह थी तो उन्होंने शरद पवार साहब का दामन छोड़ा। खान साहब, जैसे कि कल से एक न्यूज़ चल रही है कि आपने शरद पवार साहब के साथ जुड़े थे, पहले कांग्रेस के एक नेता थे बड़े, उसके बाद में आपने अभी कल ही अजीत दादा पवार साथ कुछ पोस्ट ली, क्या बताएंगे, ऐसी क्या मजबूरी आ गया? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मैं आपको साफ सच्ची बता रहा, मैं शरद पवार के साथ जुड़ा था, पवार साहब के साथ जुड़ा, यहाँ के विधायक को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुस्लिम लीडर को ऊपर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनको खतरा था उनकी सीट नहीं चली। अच्छा, हाँ, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर फिर उनको छोड़ दिया, छोड़ के बैठे रहे। फिर दादा भी देखिए पवार फैमिली से मेरे पुराने संबंध, आज से नहीं, जब मैं मेयर था तब से मेरे संबंध, तो 30-35 साल के संबंध है। और फिर दादा ने मेरे को बुलवा के लिया, हम सब पूरा मुमरा से गया, उनके नेतृत्व में सब शामिल भी हुए, और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही, उमरे के हालचाल भी पूछे, सब कुछ पूछे। सब होने के बाद ये नतीजे पे आए कि नहीं भाई, इनके साथ रहना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कामें भी मिलेगी, फतेह मिलेंगे, सब कुछ होगा, इसके लिए यहाँ पर उनके साथ शामिल। छोड़ा कि शरद पवार साहब की पार्टी छोड़ने का वजह क्या, मेन वजह क्या? वजह विधायक कौन, जितेंद्र रावण, एक ही तो विधायक है यहाँ पर, और वो एक विधायक तो महाराष्ट्र में बहुत नहीं, नहीं, यहाँ की बात हो जी, तो यहाँ की बात, हाँ यहाँ की विधायक, तो वो नहीं चाहते थे, और मैंने एक इफ्तियार पार्टी रखी थी, वहाँ से थोड़ा क्लैश हो गया था, इफ्तियार पार्टी रखी थी, उसमें बहुत सारे मुसलमान आए थे, ये थोड़े डर गए। अच्छा, हाँ, कहे मुसलमान तो वन साइड हो जाएगा, कभी भी मेरे को धोखा दे जाएगा नहीं भाई के साथ, और मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देता, आप विकास करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने जो वायदे वहीद किया, आपने 15 साल कुछ नहीं किया, खाली आपने अपना विकास किया, आपके जो खास खास आजू बाजू लोग थे उनका विकास किया, आप देख रहे हैं मुमरे की क्या बुरी हालत, ट्रैफिक जाम है, हैंगिंग मार्केट गायब है, गर्ल हॉस्टल नहीं है, पानी नहीं है, टोरेंट है। 15 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बिल्डिंग लाइन बनाए, 200 बिल्डिंग बन इनके राजा साथ साथ माले तो बोलते कि हमने हॉस्पिटल बनाया यहाँ के, मित्तल का रोड बनाया, हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया, ये 2007 में विलासराव देशमुख आए थे। अच्छा, मेरे घर पे आए थे और काका नगर के सामने पूरे रोड के ऊपर 20,000 आदमी जमा थे। अच्छा, उस टाइम उन्होंने विलासराव देशमुख ने ये बोला था कि मैं आप लोगों को स्टेडियम दे रहा हूँ, हॉस्पिटल दे रहा हूँ, स्लॉट राउंड थे, कब्रिस्तान दिया इधर का उधर कर दिया सॉरी। अच्छा, अब आप सोचो बिल्डिंगे आ रही हो, दाल गोश्त खिला रहे हैं मुसलमानों ओपनिंग के अंदर, हाँ देना था उमरे के लिए, आप कब्रिस्तान ने अपनी क्यों नहीं दी, आपने 15 साल में मार्केट क्यों नहीं बनाया, क्राउड मार्केट जैसे आप मार्केट बनाते, मनीष मार्केट तेरा मार्केट बनाते, इन सबको गाले देके बिठाते। मतलब एक बड़े नेता थे आप, महापौर भी थे, 15 साल आपने आवाज नहीं उठाई इसके लिए, मतलब आप भी चुप बैठे थे? नहीं, हम चुप नहीं बैठे थे, हमने आवाज उठाई, ये भी तो हमारे साथ उनका क्लैश हो गया। आपके पावर था सर, आप मतलब सरकार में था, सब कुछ था, हमने शिकायत भी करी, बड़े नेताओं से बोला, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बड़े नेता देखिए विधायक के जल्दी एक्शन नहीं होता, क्यों भाई, तो प्रिंसिपल होती है भाई, आमदार करेगा फिर अगले टाइम करेगा, ये करेगा वो,
मंत्री बने, वो उन्होंने मंत्री के बनने के बाद भी क्या उन्होंने मुमरा को दिया ये बता दें। हम मिनिस्टर बने, हाउसिंग मिनिस्टर बने, उनसे मैंने बोला भाई पत्रकार है बेचारे गरीब है जिनके पास मकान है, गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग हैं जिनके पास मकान है उनको मकान दे दो। अपने लोगों को 15-15, 20-20 मकान दे दिए, माडा के अंदर बेच दिए, ब्लैक में बेच, डोरोमान के नाम पर निकल कितना है हा? और फिर बोरसे मैडम का उनको इंक्वायरी दी तो वो भी सब हवा में। आपके जो बेटे हैं विराज खान वो भी उनके साथ 10 साल जुड़े थे सर? उनके साथ 10 साल नहीं जुड़े, तो ड्रम नगर से 5 साल इंडिपेंडेंट में आए। ओके, 5 साल उन्होंने जब पवार साहब को बोला गया तो साहब 5 साल पहले इन्होंने बी फॉर्म नहीं दिया था, इन्होंने ऐसा किया था, पवार साहब ने दिलवाया बी फॉर्म, फिर किया वो भी अपने पैसे से की थी, किसी के पैसे से नहीं। अभी ऐसा एक फोटो पे देखा, एक दो दिन पहले ग्रुप पे चल रहा था कि नईम खान साहब एक हाथ पकड़ के जितेंद्र दौड़ का ला रहे, मतलब 2009 में आपने लाया उनको। ठीक है, मैं बात बताऊं राजनीति में कितने आते कितने जाते, 2009 की बात नहीं, जब मैं महापौर था जब जितेंद्र दौड़ ने ये उंगली पकड़ के आपका एजुकेशन चेयरमैन बने ये उंगली पकड़े। अच्छा, आपकी उंगली? हाँ हाँ, पूछो आप, वो भी रिकॉर्ड में। तो जब महापौर थे तो जब बने तो फिर बहुत दोस्ती थी, हमें नहीं मालूम था ये छुरा घोपने वाले लोगों में से पीछे। अभी आपने अजीत दादा पवार से क्या मांग रखी है, क्या मुद्दे रखे मुमरा शहर के? ये बोला हमको विकास चाहिए और विकास के सिवाय कुछ, विकास में क्या क्या मुमरा में कमियां जो होने चाहिए? मुमरा के अंदर ये सब हटाना चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, जो महानगर पालिका और पुलिस के लोग है वो अलर्ट होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पानी की योजना आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी। टोरेंट के बारे में हमने बात करी, टोरेंट के बारे में सोचा ठीक है वो 20 साल का एग्रीमेंट है लेकिन उनको एक लाइन पे लाके तो रोकना चाहिए। सिस्टम यहाँ सिस्टम है, यहाँ गरीब को तकलीफ हुई आप फ्री कर दो टोरेंट को बोल के 100 यूनिट गरीबों को फ्री कर दो, ये बात हुई है और मैं आपके माध्यम से कर अब ये छुराई नहीं कि मैं कल थोड़े दिन के बाद बोलेंगे मैं टोरण में ये करने वाला। अच्छा हाँ, क्योंकि अब आपका आपके चैनल से लोग सुनते हैं फिर ये चुराते ना अपने लिए बात। एक जरूरत की चीज होती है पानी, तो मुमरा शहर में देखा पानी के लिए बहुत प्रोटेस्ट होता है, मतलब हाँ मैं रोकना चाहूंगा 2012 के अंदर जब महानगर पालिका के इलेक्शन हुए तो इनका एक उन्होंने किताब निकाली थी उड़न उड़ान, उसके अंदर उन्होंने कहा था मैं ऊपर से लाइन लाऊंगा ये करूंगा कितने, इनके वायदे बहुत है ना, इनको आपने 15 साल दिया, पब्लिक हमको 5 साल दे के देखे सिर्फ 5 ईयर्स और मालूम पड़ेगा क्या क्या। हम लोग तो आमदार नहीं थे, हम तो नगर से होते 20-25 साल, हमने कितना काम और MLA होते तो कितना कर। अब आज के ज़माने की नई पोत जो है 20 साल की हो गई है उन्हें नहीं मालूम पिछले उन्हें क्या किया, और तो ये बोलते नहीं नहीं अवार्ड साहब ने सब कुछ किया, ये सब बातें हैं। अब ये तो टाइम आएगा किताबें खुलेंगी, पेपर टर्न होएगा, पन्ने खुलेंगे टर्न होएगा, लोगों को मालूम हकीकत मालूम होगी कौन क्या था और क्या। अभी लोक विधानसभा चुनाव 2 महीने में होने वाले हैं, अब की बार कौन आमदार मुमरा का? हम तो हमारी पार्टी का बोले नजीब मुल्ला, वो आज हमारी पार्टी में चल रहे हैं, वो चाह रहे कि नईम खान साहब भी खड़े होंगे तो नहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, नईम खान साहब खड़े रहेंगे, कोई साहब खड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं, नजीब मुल्ला ने मेहनत कर रहे अच्छा है, नाम उसका है, अगर वो नहीं खड़े रहेंगे तो लाजमी बात है पार्टी किसी ना किसी को खड़ा करेंगे। कहीं ना कहीं जो अजीत दादा पवार है वो बीजेपी से गठबंधन था अभी महायुति का, तो मतलब आप लोग भी उसमें जुड़े के नहीं, आप लोग भी बीजेपी में जुड़े थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये समझ में लोगों के क्यों नहीं आता, बीजेपी की एक पार्टी अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी सोच अलग है, समझा। अजीत दादा पवार ने कभी मुसलमानों को बुरा नहीं बोला, कभी मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं कह रहे, सर्कुलर माइंडेड आदमी है, मुसलमान के साथ रहने वाला आदमी है। अब मुसलमान जो बीजेपी का योजना ले रही है, अभी आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बनाया, 14,500 कार्ड बनाए में, बीजेपी की योजना नहीं है तो सरकार की योजना ना, सरकार की योजना तो बीजेपी सरकार में है ना, सब सबके लिए ना योजना, सरकार देगी सबके लिए, वही है तो मैं क्या कहता हूँ नेता सबके लिए। प्रधानमंत्री देखो आप मुसलमानों के खिलाफ है लेकिन बात करता है 135 करोड़, अच्छा अब देखो कितना होशियार आदमी, 135 करोड़ का मैं नेता हूँ,
हर नेता जो है वो कस्में खाता है। बीजेपी से आपका कोई समर्थन? मेरा कोई सम्मान है बीजेपी का? कोई सम्मान है बीजेपी को? हम लोग मानने वाले नहीं। लेकिन अब युति में है ना सर, गठबंधन में वो बड़े नेता है, बड़े ना वो सर, बड़े है तो छोटे भी रहेंगे। सरकार चलाना है, फंड लाना है, ये करना नहीं तो इनकी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठना है। अभी विधायक बोल रहे थे मेरे को पैसा नहीं मिला 3 साल से, तो सरकार में नहीं तो यही हालत हुई। भाई विकास भी तो करना है, लोगों का भी तो ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। बस हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, हमको बीजेपी किसको मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के। तो नईम खान का माजी महापौर जो अभी हाल ही में अजीत दादा पावर गुट में शामिल हुए हैं, तो हमने इनसे बात करी है, चर्चा करी है। इब्राहिम शेख, कलीजत मोगरा से।